अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक नहायत अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि क्रिटिकल पॉइंट वीएस इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है और इनको हम कैसे फाइंड अप करते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अब डेफिनेशन क्या होती है क्रिटिकल पॉइंट की, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो, ठीक है, और सी कोई भी पॉइंट हो इसमें डोमेन ऑफ फंक्शन, तो पॉइंट सी को हम क्रिटिकल पॉइंट कब कहेंगे, जब फंक्शन का डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट क्या होगा, जीरो होगा या डज नॉट एग्जिस्ट। अगर फर्ज करें कि ये हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, तो ये कोई पॉइंट सी है, ब्लैक पॉइंट, ये कोई पॉइंट सी है इसमें डोमेन ऑफ फंक्शन। तो अगर इस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल हो जाए जीरो के, तब हम इस पॉइंट सी को क्या नाम देंगे, क्रिटिकल पॉइंट का नाम देंगे, ठीक है। अब विद एग्जांपल हम इसको देखते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट हम कैसे फाइंड अप करते हैं। तो अब क्रिटिकल पॉइंट इज कॉल्ड लोकल मिनिमम। अब यहां पर लोकल मिनिमम की भी डेफिनेशन आ रही है कि लोकल मिनिमम, क्रिटिकल पॉइंट को हम लोकल मिनिमम कब कहते हैं, जब फंक्शन चेंज फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर उस पॉइंट पर फंक्शन चेंज हो रहा है किससे, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, तब हम उस क्रिटिकल पॉइंट को क्या नाम देंगे, लोकल मिनिमम का नाम देंगे, ठीक है। अब इस ग्राफ में देखें, ये पॉइंट कोई सी है। अब यहां पर जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव तो जीरो आ रहा है, ये तो क्रिटिकल पॉइंट बन गया। अब ये फंक्शन जो ये पॉइंट है लोकल मिनिमम कब होगा, जब इस पॉइंट पर फंक्शन डिक्रीज टू इंक्रीज की तरफ चेंज होगा, ठीक है। अब देखें कि इस एरो से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फंक्शन है क्या है, लेफ्ट साइड पर फंक्शन क्या है, नेगेटिव है यानी डिक्रीजिंग है, और राइट साइड पर क्या है, पॉजिटिव, मीन फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अब इस पॉइंट पर देखें कि ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, लोकल मिनिमम होगा, और ये पॉइंट क्या होगा, साथ में क्रिटिकल पॉइंट भी होगा। इसको फाइंड अप कैसे करते हैं, देखिए, अगर हमें कोई फंक्शन गिवन हो और इसका डेरिवेटिव, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं फंक्शन का। तो अगर हम x प्लस ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ले, हमारे पास क्या आता है, 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स आता है। देखिए, अगर हम x का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 आता है, और e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ले तो हमारे पास क्या आता है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स आता है, ठीक है। अगर हम इस फंक्शन को इक्वल कर दें जीरो के, यानी एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो, मीन के एक्स की जगह हम क्या पुट कर दें, सी पुट कर दें, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस सी विच इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी। अब इस माइनस ई की पावर माइनस सी को अगर हम राइट साइड पे लेके जाए तो हमारे पास क्या आता है, ई की पावर माइनस सी विच इज इक्वल टू 1 आता है। अब 1 किसकी इक्वल होता है, ई की पावर जीरो के, तो यहां से बेस तो हमारे पास इक्वल हो गई। इस तरह अगर बेस इक्वल होती है तो हमारे पास क्या होती है, पावर भी इक्वल होती है, तो सी इज इक्वल टू जीरो, तो सी इज इक्वल टू जीरो हमारे पास ये क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अगर हमें किसी भी फंक्शन गिवन हो, अगर हमने उसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना हो, तो पहले उसका हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे सी के साथ, फिर एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो पुट करके वहां से हम क्या करेंगे, पॉइंट्स फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। और ये क्रिटिकल पॉइंट मिनिमम कब होगा, जब फंक्शन चेंज होगा डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग एट दैट पॉइंट। तो विद इस ग्राफ के जरिए हम देख सकते हैं जो हमारे पास सी पॉइंट है ये एज अ लोकल मिनिमम। अब एक और एग्जांपल से देखते हैं कि लोकल मैक्सिमम कब होता है क्रिटिकल पॉइंट। तो अ क्रिटिकल पॉइंट सी इज कॉल्ड अ लोकल मैक्सिमम, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या वो लोकल मैक्सिमम कब होता है, जब फंक्शन चेंज फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, ठीक है। जब फंक्शन इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग उस पॉइंट पर चेंज होता है, तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, लोकल मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब इस ग्राफ में देखें कि ये हमारे पास सी इज इक्वल टू 1, ये यहां पर हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया है। कैसे फाइंड किया है, पहले हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है। देखिए, अगर हम 2x का डेरिवेटिव ले तो हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। अगर x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो हमारे पास क्या आता है, माइनस 2x आता है, ठीक है। तो अगर हम x की जगह रिप्लेस करें c के साथ, तो 2 माइनस 2c इज इक्वल टू 0, तो यहां से हम c फाइंड कर सकते हैं जो कि इजिकली 1 आ रहा है, ठीक। इजिली हम फाइंड कर सकते हैं जो कि 1 है। अब इस पॉइंट पर फंक्शन देखें, पहले फंक्शन क्या हो रहा था, यानी c इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट साइड पर फंक्शन क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था।
और c इज इक्वल टू वन के बाद फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। यानी पहले फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग था, फिर फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, लोकल मैक्सिमम का नाम। यानी हमने अब तक देखा कि लोकल मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं और लोकल मैक्सिमम पॉइंट कब होता है, कि अगर क्रिटिकल पॉइंट के ठीक है उससे पहले फंक्शन क्या हो कि चेंज हो रहा हो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, तो वो जो हमारे पास पॉइंट होगा वो होगा लोकल मैक्सिमम। अगर फंक्शन चेंज हो रहा हो फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, तो उस फंक्शन को या उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, लोकल मिनिमम का नाम देंगे। अब नेक्स्ट है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होते हैं, कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट आर दोज वेयर फंक्शन चेंज कनकेविटी। ठीक है, अब कनकेविटी क्या होती है, अब सिंस कनकेव अप कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पॉजिटिव सेकंड डेरिवेटिव। अब जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है इसका तल्लुक फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव से है। ठीक है, एंड कनकेव डाउन क्या है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ नेगेटिव सेकंड डेरिवेटिव। तो देन व्हेन द फंक्शन चेंज फ्रॉम कनकेव अप टू कनकेव डाउन या कनकेव डाउन टू कनकेव अप, तो देन सेकंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू जीरो एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट का नाम देंगे। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखें, ये उन्होंने एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट को शो किया हुआ है। अब इस पॉइंट के से पहले देखें कि फंक्शन क्या हो रहा है, कनकेव डाउन हो रहा है, और इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, फंक्शन कनकेव अप हो रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन अपनी कनकेविटी चेंज कर रहा है, यानी कनकेव डाउन से कनकेव अप की तरफ जा रहा है। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट का नाम देंगे। अब देखते हैं कि ये पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं। पहला स्टेप ये क्या है कि हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना होगा किसी भी फंक्शन का। हमें क्या होगा, स्टेप वन में सेकंड डेरिवेटिव क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमें ये फंक्शन गिवन था, ठीक है, अब इसका हमने क्या करना है कि इसका मेरे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव है किसी भी फंक्शन का, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये हमने क्या लिया कि सेकंड डेरिवेटिव लिया। सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 20x² इनटू x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया। किसी भी फंक्शन का हमने क्या करना है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसके बाद उसका क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। नेक्स्ट इस स्टेप में क्या आता है, फाइंडिंग ऑल कैंडिडेट्स। हमने जैसे हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते थे, इस तरह भी हमने क्या करना है कि इसमें हमने अगर f डबल प्राइम ऑफ c पहले हमने क्या करना है, फाइंड करना है, उसको इक्वल करना है जीरो के। ठीक है, अगर हम देखें कि यहां पर x को रिप्लेस कर दें c के साथ, तो 20c² इनटू c प्लस 1, अगर ये इक्वल हो जाए जीरो के, तो यहां से हम क्या करेंगे, c की हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, एक आएगा x इज इक्वल टू जीरो या c इज इक्वल टू जीरो, एक होगा c इज इक्वल टू माइनस 1 या x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये हमारे पास दो ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए किसके, इस फंक्शन के। ठीक है, अब हमने यहां पर चेक करनी है कि जीरो से पहले फंक्शन क्या हो रहा है और जीरो के बाद क्या हो रहा है, कि माइनस वन के पहले फंक्शन क्या था और माइनस वन के बाद फंक्शन क्या होता है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर चेक करते हैं कनकेविटी। ठीक है, कि अगर हम इंटरवल हमारे पास क्या हो, एक्स लेस देन माइनस वन, हम क्या करेंगे माइनस वन से लेस में चेक करेंगे फंक्शन क्या हो रहा है, कनकेव डाउन हो रहा है या कनकेव अप हो रहा है। तो यहां पर हमने सपोज की कि हमने कोई वैल्यू ले लिया एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, यानी एक्स लेस देन माइनस वन था, तो माइनस टू माइनस वन से लेस है, तो हमने इस पॉइंट पर चेक करना है कि ये फंक्शन वहां पर क्या हो रहा है, कनकेव अप हो रहा है या कनकेव डाउन हो रहा है। तो अगर हमने जब हम एक्स इज इक्वल टू माइनस टू को सेकंड डेरिवेटिव में अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, माइनस 80 आता है, जो कि लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब होगा फंक्शन इज कनकेव डाउन। तो इस पॉइंट पर यानी x इज इक्वल x लेस देन 1 से पहले फंक्शन क्या हो रहा है, कनकेव डाउन हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस 1 के बाद फंक्शन क्या हो रहा है, यानी x माइनस 1 से ग्रेटर लेस देन 0, यानी हमने कोई पॉइंट लिया माइनस 0.5, ये फंक्शन क्या है कि ये पॉइंट क्या है, माइनस 1 के बाद है। ठीक है, अब यहां पर चेक करते हैं कि पॉइंट क्या हो रहा है, यहां पर हमारे पास फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब होगा कि फंक्शन कनकेव अप हो रहा है। तो हमने देखा कि यहां पर फंक्शन क्या हो रहा है, हमारे पास कनकेव अप हो रहा है। तो इससे अब नेक्स्ट में देखते हैं कि जीरो से ग्रेटर में, हमने जीरो से पहले तो देख लिया कि फंक्शन वहां पर क्या हो रहा है, कनकेव अप हो रहा है, अब हम जीरो के बाद देखते हैं कि फंक्शन वहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी फंक्शन क्या हो रहा है, कनकेव अप हो रहा है।
इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि फाइंड इन इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। अब हम इन इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स को देखेंगे। पहले हमने इस जो हमारे पास इंटरवल था, हमने देखा कि जो माइनस वन से पहले फंक्शन कनकेव डाउन हो रहा है और माइनस वन के बाद फंक्शन क्या हो रहा है, कनकेव अप हो रहा है। यानी ये माइनस वन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन अपने क्या कर रहा है, यानी डायरेक्शन को यानी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, या कनकेव डाउन या कनकेव अप, यानी कनकेविटी को हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है, चेंज कर रहा है। यानी माइनस वन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन उससे पहले क्या हो रहा था, कनकेव डाउन हो रहा था और इसके बाद क्या हो रहा है, कनकेव अप हो रहा है। तो ये तो हमारे पास एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो आ चुका है कि यहां पर फंक्शन अपनी कनकेविटी को चेंज कर रहा है। तो एफ इज कनकेव डाउन बिफोर माइनस वन एंड एन कनकेव अप आफ्टर वन, यानी माइनस वन से पहले फंक्शन क्या हो रहा है, कनकेव डाउन हो रहा है और माइनस वन के बाद फंक्शन क्या हो रहा है, कनकेव अप हो रहा है। तो ये हमारे पास डेफिनेटली हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस वन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन अपनी कनकेविटी को चेंज कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अब हम जीरो को इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्यों नहीं कह सकते, वो क्रिटिकल पॉइंट तो है लेकिन इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्यों नहीं है। अब यहां पर टेबल में हमने देखा कि माइनस वन से पहले फंक्शन कनकेव अप और डाउन हो रहा है और माइनस वन के बाद कनकेव डाउन हो रहा है, लेकिन जीरो से पहले फंक्शन क्या हो रहा है, कनकेव अप, और जीरो के बाद क्या हो रहा है, कनकेव अप। यानी यहां पर तो कनकेविटी हमारे पास चेंज नहीं हो रही, तो ये हमारे पास जीरो क्या होगा, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं होगा।